आज राणापुर के भगोरिया में हमको घूमते हुए मिल गए हैं पप्पू भगत, और आज इनका नया लुक देखने को मिला है। ये कांग्रेस की टोपी है, पंजा है, प्रचार भी कर रहे हैं। जरा इधर साइड में घूम जाओ, उधर टोपी दिखाओ। ये टोपी देखिए पप्पू भगत जी की, कांग्रेस की टोपी पहने हैं। अब इनसे हम बात करते हैं। भगत जी, कांग्रेस की टोपी? भाई मैं कांग्रेस की टोपी, मेरे को राजा साहब ने फोन करा है, कमलनाथ ने भी फोन करा है, और राहुल गांधी ने भी सुबह सुबह फोन करा है, पप्पू भगत कहाँ है। तो मैंने कहा भैया मैं घर पे है, तो क्या राणापुर में जाओ, कोई लड़ा झगड़ा नहीं होना चाहिए, और तेरी इज्जत घटी जाएगा। आप पप्पू भगत, तेरे को पब्लिक मानती है। तो राणापुर में मैं आया ते हुआ थाना पर बोला, मेरे को कमलनाथ ने फोन करा है, राजा साहब ने बोला है कि आप जाओ थाना पे राणापुर पे, और जाके लोगों का कोई लड़ाई झगड़ा होना नहीं चाहिए। तो मैं आए गली गली में घूमा, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, और अच्छा से भंगूरिया अच्छा पड़ रहा है, मेला अच्छा पड़ रहा है, झूले उले आप देख रहे थे, और लोगों झूले अच्छा लग रहा है, कोई लड़ाई झूले में भी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। पर लेकिन इसने थोड़ा पानी की व्यवस्था कम है, और सरबत लोगों को पिलाना सही नहीं सही है उसको। अब ये पैसा तो मेरा निकाल के कांतिलाल भूरिया और गुमान सिंह डामोर बीजेपी वाला ये भी निकाल के खा जाएगा, और मेरे नाम से पैसा वो निकालेगा, और बोलते हैं कौन है ये, हम है पप्पू भगत नवरा गांडा, यूँ बोलते वो, और पब्लिक मेरे को शायरी है। आप ये चाहते हो कि जो भगोरिया में आदिवासी भाई आए हैं, इनको पानी और शरबत का इंतजाम होना चाहिए? पानी की शरबत की कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पर राणापुर में। आज लोग बेचारे पानी के लिए हर सोराय पर भाई ट्रैक्टर मिलना था। आप अगर आप विधायक बोला हर पुलिस हर सोराय पर पुलिस रहो, और कमलनाथ ने बोला है ऐसा करके, मैं थाना पर जाके बोला तो तुरंत पुलिस दौड़धाम कर रही है गली गली में, और कांतिलाल ने ऐसा कहीं किया, पप्पू भगत ने किया है, पुलिस को जवाब दिया है, कमलनाथ का फोन आया है। अच्छा, एक बात बताओ आप, पांच राज्यों में अभी रिजल्ट आए, पांचों जगह कांग्रेस हार गई। पांच राज्य में कांग्रेस हारी नहीं है, उसी ने क्या करा, वो बटन पैर से दबा रखा, और यह बटन वो बजने नहीं दिया, और वो बटन दबाए तो जाए पूरा बीजेपी में जाए, और वो बटन कांग्रेस का बटन दबा दिया, पैर से दबा दिया, तो वो पैर से वो बटन वो हमारा हाथ का पंजा का बटन बजेगा नहीं तो कहाँ से वोट पड़ेगा। तो आपको भी नहीं बुलाया प्रचार में? मैं तो जाने की कोशिश करी थी, तो जब ये कांतिलाल हणु मेरे को साथ में नहीं ले गया, और हेलीकॉप्टर भी मेरे को देना था, और मैं जाने जा रहा था, आप पहुंच जाते तो पब्लिक को मैं ढेर उठा देता, और ये प्रियंका गांधी को मैं जिता देता वहां पर जाके। मतलब आप ये कह रहे हो कि हेलीकॉप्टर नहीं दिया और आपको यूपी में नहीं बुलाया इसलिए हार गई? मेरे को बुलाता तो मैं यहाँ वहाँ पर जाता, पब्लिक को ढेर कर देता, पप्पू भगत आ गया है और आपको भी मैं साथ में लेके जाता। योगी सरकार को हरा देते? सरकार को क्या, योगी सरकार ने भूल करी है क्या? योगी सरकार क्या भगवान देवता थोड़ी बन रहा है? उसने हमारा कंप्यूटर में अब छील थपका सुना होता तो कांग्रेस की सरकार बिल्कुल बना के सूट जाती, उसी ने सब दूर से तार जोड़ देते और पैर से दबा रखते, तो लोग बटन दबाते तो बटन बगते नहीं, फिर कहाँ से हमारा बटन वो कहाँ से चालू रहेगा, वो दबाएगा तो जाएगा बीजेपी में। तो ये थे पप्पू भगत, तो नई थ्योरी बता रहे हैं कि ईवीएम में नई तरीके से गड़बड़ी हुई, इसलिए पांचों राज्यों में हार गई। लेकिन आप जाते तो क्या होता? आप जाते तो सब जांच करते कंप्यूटर का, और बोलते कि हमारा कांग्रेस वाला जांच करो, जब तक हमारा वोटिंग नहीं गिराएगा वहाँ पर हिलने नहीं देता। चलो ठीक है, आप ताला लगा देते। अब ये बताओ भगोरिया पे क्या बोलना है सबको? भगोरिया मेरा है, पप्पू भगत का मैंने भगोरिया पाड़िया है, जो भी किसी ने, मैं कोरोना भी मैंने बंद करा है, भगोरिया भी मैं चालू कर रहा है। जब पप्पू भगत है, किसी के पास कोरोना रहेगा तो कोरोना मेरे पास खिसा जाएगा, किसी के पास कोरोना नहीं रहेगा। पप्पू भगत के सेंटर पर भगोरिया राणापुर में घूम रहे हैं, इस सेंटर पर आपकी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। किसी के पास कोरोना होगा वो कोरोना मेरे पास आ जाएगा।